अच्छी बात है, हार्ड वर्किंग होना अच्छी बात है, लेकिन वो ऑल कैरी वैल्यूज। और मेरी एक वैल्यू ये है कि आई थिंक डेट अगर ये बंदा मेरे सामने है तो अगर इसका इसके सामने इसने कोई मैं समझे कि गलत हो रही है या जो चीज़ इसके नुकसान में है तो आई शुड एडवाइस। अच्छा, अब फीडबैक का तरीकाकार मेरा इंस्टेंट फीडबैक देने का, एंड सेम इज ट्रू इन यूएस। मैंने यूएस में थोड़ा टाइम गुजारा लेकिन तीन चार कंसल्टेंट के साथ मैंने काम किया है, गोरे का, मैंने गोरे में गोरे के साथ भी जाकर काम किया। गोरे का और ब्रिटिश का और ये अमरीकी का फर्क सिर्फ एक है, वो जाएंगे द इंस्टेंट फीडबैक। नेक्स्ट डे आपको पता नहीं लगता कि ये वही बंदा जिसने ये वाला फीडबैक दिया, ऑन द जहाँ पे आपने काम किया, गलती की है उसी वक्त आपसे, और वो गलतियाँ अभी तक मुझे याद हैं कि मैंने क्या क्या गलती की और किस बात। जुफला साहब हैड द सेम स्टाइल, आवर टीचर्स हैड द सेम स्टाइल, आसिफ बेग मिर्ज़ा मेरे रूहानी उस्ताद हैड द सेम स्टाइल। थोड़ा वो स्टाइल जो फर्क था वो डॉक्टर याज का था, आई कंसिडर माय एज टीचर, जैसा आपका सीनियर जिस तरह आपस में ताल्लुक है ना आपस में, आप बहुत कुछ अपने सीनियर जिस तरह से सीखते हैं। और आई एम वेरी लकी कि मैं डॉक्टर याज के साथ मैंने तो तकरीबन 5-6 साल एक मुसलसल कनेक्शन में गुजारा। फिर बाद में जब मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ तो कुछ अर्सा मैंने फिर उनके साथ कुछ 7-8 5 साल कम अज़ कम उनके साथ गुजारा। तो वी हैव लर्न अ लॉट, खासकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसमें एक बुनियादी चीज़ जो मैं दो चीज़ें बार बार आपको मुसलसल करूँगा वो है डिसिप्लिन, हार्डवर्क। और मेरे सारे उस्ताद इकराम ने ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त, दे वर ऑल डिसिप्लिन व्हेन देयर इज अ वर्क एंड देयर वेरी हार्ड वर्क, देयर इज नो रिक्वेस्ट। आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो, आप प्रेसिडेंट के बेटे हो, इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग ये इस फील्ड में नहीं आप कर सकते, इस फील्ड में आप मीडियोक्रेट हैं। इस फील्ड में ऊपर जाने के लिए आपका फोकस और हार्ड वर्क रखना बहुत जरूरी। ये फील्ड इतना चेंजिंग है, नोबडी कैन क्लेम कि उसको कुछ आता है नहीं आता, हर 2 साल बाद नॉलेज चेंज हो रहा है, हर 2 साल बाद नई स्किल्स आ रही हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क। अब चूंकि मैं इस पोजिशन पर चला गया हूँ जहाँ प्रोफेसर शुड नो एवरीथिंग, प्रोफेसर शुड सुपरवाइज, सो वो सारा कुछ जानना, तो माई जॉब इज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द माई जॉब एन आई वॉज एसिंग, क्योंकि मुझे पता था मेरे ऊपर शेल्टर और अम्ब्रेला हो सकता। तो ये है, और मेरी आप लोगों से भी यही है कि हर बंदे में अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दी, प्लीज़ आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड यूज़ इसको। इमरान खान या कोई और चेंज नहीं लेके आएगा, अगर कोई तब्दीली आनी है तो आपने खुद लेके आनी, और स्टार्ट विद योर सेल्फ। आप अपने आप को देखो कि अच्छा यार मैंने क्या क्या चीज़ें जो है मेरे अंदर उसकी कमी है, आई कांट आई डू दैट, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना तो आई थिंक दिस कंट्री एज वेल एज दीज इंस्टीट्यूशन एवरीथिंग विल बी फॉरवर्ड। एटलीस्ट व्हेन यू डाई यू विल हैव सम सेटिस्फेक्शन कि आई डिड माय बेस्ट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, आई डिड माय बेस्ट। और मैं कहता हूँ इससे बेहतर कोई सेटिस्फेक्शन, बड़े बड़े जो बात तू और कार तू सब अंदर इस वक्त वो बट्टी के उसके अंदर दफन है और हमने भी एक दिन उसी के अंदर चले जाना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वॉट यू लेफ्ट बिहाइंड, what were your contribution, everybody would remember that, ठीक है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल और मैं आप सबका मशहूर भी हूँ कि माशाल्लाह आप मेरी बातें सुनते भी हो, बर्दाश्त भी करते हो, और मेरे ख्याल काफ़ी सारा उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।